मिररलेस कैमरा की दुनिया में अब एक और कंपनी अपना प्रोडक्ट इंडिया में लॉन्च कर चुकी है और मेरे हिसाब से इसकी सीधी टक्कर है सोनी के A7 Mark III से, जो एक फुल फ्रेम सेंसर कैमरा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी और आज लाया हूं मैं निकॉन के Z7 और Z6 के लॉन्च की सारी इन्फॉर्मेशन और दूंगा आपको फर्स्ट लुक इन दोनों कैमराज के, छोटा सा कंपैरिजन भी किया है दोनों कैमरास के बीच में और क्या प्राइसेस हैं और क्या अवेलेबिलिटी है, ये सारी इन्फॉर्मेशन देखिए इस वीडियो में। निकॉन ने इन दोनों प्रोडक्ट्स को और काफी लेंसेज को, अडैप्टर को, काफी सारे चीजें यहाँ पर लॉन्च करी है और यहाँ पर प्रोजेक्शंस भी दिखाई हैं अपने इंडियन मार्केट के लिए कि वो कैसे इस नए Z सीरीज के लिए 2021 तक नई लेंसेज लाते रहेंगे। सो काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हैं वो इंडियन मार्केट के लिए। चलिए बात करते हैं निकॉन के Z6 और Z7 के बारे में। निकॉन Z7 में लगा है FX फॉर्मेट का 45.7 मेगापिक्सल काउंट वाला एक फुल फ्रेम सीमॉस सेंसर और उसके मुकाबले निकॉन Z6 में लगा है 24.5 मेगापिक्सल का एक फुल फ्रेम FX फॉर्मेट वाला सीमॉस सेंसर। इसमें जो खास बात है वो है इसका इनर लेंस माउंट, जिसका डायमीटर है 55 mm और 16 mm की फ्लेंज फोकल डिस्टेंस मिलता है, जिससे आप बेसिकली अपने सब्जेक्ट के ज्यादा क्लोजर जा सकते हैं और यहाँ पर बेटर लो लाइट फोटोग्राफी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फोकस के बारे में बात करें तो दोनों कैमरास काम करते हैं हाइब्रिड फेस डिटेक्शन ऑटो फोकस और कंट्रास्ट ऑटो फोकस्ड विद ऑटो फोकस असिस्ट के साथ। निकॉन Z7 आता है 493 ऑटो फोकस पॉइंट्स के साथ और उसके मुकाबले में निकॉन Z6 आता है 273 ऑटो फोकस पॉइंट्स के साथ। 12 बिट रॉ फॉर्मेट पर Z7 शूट कर सकता है और 12 FPS पे यहाँ पर हम शूटिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं और Z6 में शूटिंग होती है 9 FPS पे। ISO रेंज के बारे में बात करें तो Z7 की ISO रेंज है 64 से लेके 25,600 तक और Z6 की रेंज है 100 से लेके 51,200 तक। और शटर काउंट के बारे में बात करें तो 200,000 तक ये सपोर्ट करते हैं दोनों ही कैमरास। ड्रॉप और डस्ट प्रोटेक्शन यहाँ पर दोनों ही कैमरास में हमें देखने को मिलती है और जो इनकी बॉडी है काफी रॉबस्ट है एंड यहाँ पर बेसिकली इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के मैग्नीशियम अलॉय से इनकी बॉडीज को बनाया गया है। इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर के बारे में बात करें तो 3690 के डॉट वाला एक क्वाड VGA इलेक्ट्रॉनिक व्यू फाइंडर मिलता है और इसके अलावा यहाँ पर आपको एनलॉग 10 बिट का 4x2x2 का 4K 10 बिट HDMI आउटपुट सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है और स्टेबिलाईजेशन के मामले में मिलता है आपको अप्रोक्सीमेटली 5-stop 5-axis इन कैमरा VR इफेक्ट, जो बेसिकली फोटोज और वीडियोज में इफेक्टिव है। वीडियोस के मामले में सारे मोड्स ये सपोर्ट करता है और यहाँ पर हमें 4K at 30 FPS शूटिंग मोड भी देखने को मिला है। इसका कैमरा आया है तो ऑब्वियसली Z सीरीज की नए लेंसेज आना वाजिब ही था। में जो टॉप ऑफ द ग्रेड लाइन है वो है निकॉन की Z सीरीज की लेंसेज, जो आती है नैनो क्रिस्टल कोटिंग के साथ, जो प्रोड्यूस करती है हाई रिजोल्विंग पावर और इन सब में पिनाकल है निकॉन की Z58mm f/0.95 लेंस। जी हाँ दोस्तों, f/0.95 का मैसिव अपर्चर यहाँ पर इन्होंने अचीव किया है और यहाँ पर जिन लोगों के पास F सीरीज की लेंसेज हैं उनको यहाँ पर घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, वो लेंसेज भी यहाँ पर वो यूज कर पाएंगे। निकॉन के Z सीरीज के कैमरास के साथ एक अडैप्टर भी लॉन्च किया गया है, एक माउंट अडैप्टर लॉन्च किया गया है जो है अडैप्टर FTZ यानी F लेंस टू Z लेंस और इन टोटल यहाँ पर इस कैमरे के बारे में बात करूँ तो 360 लेंसेज कंपैटिबल हैं दोनों कैमरास के साथ। प्राइसिंग के बारे में बात करें तो बॉडी का मैं प्राइस अगर यहाँ पर बताऊँ आपको, Z6 की बॉडी का प्राइस है 1,69,950 रुपीस और Z7 की बॉडी का प्राइस है 2,69,950 रुपीस और इसके अलावा ये जो अडैप्टर है ये मिल जाता है आपको 19,950 रुपए का। एंड में मैं यही कहना चाहूंगा कि कैमरा को हमें यूज करने का प्रॉपर मौका नहीं मिला इवेंट पे, बट जितनी देर भी मैं कैमरा को यूज कर पाया हूँ मुझे काफी अच्छा लगा है ये कैमरा। सो ये था दोस्तों निकॉन के Z6 और Z7 के लॉन्च की सारी इन्फॉर्मेशन। बताएगा कैसा लगा वीडियो, अगर अच्छा लगा हो तो जरूर बताएगा नीचे कमेंट्स में अगर और कुछ भी जानना चाहते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।